बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तदा है अल्लाह जल्ला शानहू के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। मोहतरम सामेईन किराम, तमाम दोस्तों, सब देखने और सुनने वालों, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे। मैं तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जिन दोस्तों ने इस वीडियो को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस वीडियो को मुकम्मल वाच किया और बाद में खूबसूरत कमेंट किया, तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और मेरी हर वीडियो के अंदर ही एक छोटा या पैगाम, एक मैसेज जो कि आप सब के लिए है, तो आखिर में एक दुआ होती है। तो मेहरबानी है तमाम दोस्तों की जो वीडियो पे आते हैं, तो मेहरबानी करके इसको मुकम्मल वाच कर लिया करें, तो मेहरबानी होगी। तो जो आप कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक हाज़िरी लगवाते हैं, वीडियो पे आए, क्लिक किया और कमेंट किया और चले गए, क्योंकि हर चीज़ का पता चल जाता है, तो बहुत मेहरबानी होगी। आप कम से कम इस वीडियो को 3-4 मिनट वॉच कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर ख़ास बात जो है वो 3-4 मिनट में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन बातों से बात आगे चली जाती है, इसलिए फिर वीडियो थोड़ी सी लेंथी या लंबी हो जाती है। तो यही मेरी कोशिश होती है, आप सब के लिए दुआ करूं, आप सब के लिए एक खूबसूरत पैगाम दे दूं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने रहम और करम और फजल से नवाजे। मोहतरम, माशाल्लाह आप साहिब इलम हैं, आप जानते हैं, लेकिन हर बंदा अपने हिसाब से बात करता है, तो बातें वही हैं, उनको ही दोहराया जाता है जो कि हमारे मुआशरे के अंदर हमें जिन चीज़ों की कमी है उनको पूरा किया जाए, जो गलतियाँ हैं उनको हम से अल्लाह पाक उनसे बचने की तौफीक दे, जो नेकी के काम हैं वो अल्लाह पाक हमें करने की तौफीक दे। तो वही बातें हैं जो सब लोग, तमाम उलमाए कराम हजरात और तमाम दोस्त एक दूसरे को जो शेयर करते हैं और बताते हैं। लेकिन मैं भी एक अदना सा इंसान हूँ, अपने नक्स इल्म के मुताबिक अगर कोई गलती खताई हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। तो कोशिश मेरी यही होती है कि आप सब की बेहतर सलाह हो, आप सबको बेहतरीन पैगाम पहुँचे मेरी तरफ से। तो हो सकता है इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके लिए ये बेहतरी का सबब बन जाए और हमारे अल्लाह पाक दुनिया और आखरत बेहतर बना दे। तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने के नाल इंशाल्लाह सब काम अल्लाह पाक आसान कर देंदा है। तो इंसान अगर इरादा करे और इरादा करने तो बाद जो काम करना चाहे, तो अल्लाह पाक उस पर उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंदा है। बशर्त यही होनी चाहिए कि हमारा काम अल्लाह की रज़ा के लिए और दूसरों के लिए और अच्छा नेक मकसद होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम पर भी रहम करम और फजल फरमाएगा। तो यही बातें होती हैं, यही चीज़ है जो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। तो अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगें, तो मेहरबानी करके मेरे इस चैनल हकीकत की बातों को सब्सक्राइब करें और इसके साथ इसका बेल का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आपको बआसानी बहुत जल्दी जल्दी मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इन बातों से फ़ायदेमंद हो सकें। तो आइए मिल के सभी के लिए मैं दुआ भी करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाए। मोहतरम प्यारे दोस्तों, देखो
अभी मुश्किल वक्त है, पूरी दुनिया परेशानी के आलम में है। तो ये एक आफत जो फैली हुई है, अल्लाह पाक इस आफत से तमाम इंसानियत के अब महफूज रखे और हर किसी को शफा दे। तो दुआएं करना अल्लाह पाक तकदीरें बदल देता है। तो आप भी मेरे साथ दुआ में शामिल होकर सब के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाए, तमाम बीमारों को शफा अता फरमाए, हर बेरोज़गार को हलाल रिज़्क़ के सबब नाज़िल फरमाए, तमाम परेशान दी परेशानियां दूर फरमाए, हर मज़लूम दी हिफाज़तां फरमाए, जो हम में से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, और जो के परदेसी मुसाफर जो दोस्त घर से बाहर रिज़्क़ के लिए आए हुए हैं अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। क्योंकि मेरे साथ अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो परदेसी हैं, ओवरसीज़ हैं, मुख्तलफ जगहों पर मुख्तलफ अपने काम पर हैं, तो मैं उनके लिए भी खुसूसी हर दुआ में शामिल करता हूँ। अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जो हम में से चले गए हैं अल्लाह पाक हर की बख्शिश फरमाए, सब के लिए खैर और बेहतरी फरमाए, अपना रहम करम और फजल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सोने अल्लाह पाक के वाले, अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर। ओके जी, रब रखा।